क्या हाल चाल है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। होमवर्क किया है, आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे हम। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमने स्टार्ट किया था, उसका होमवर्क दिया था आपको। बहुत इजी होमवर्क था, उसमें कुछ भी नया नहीं था। तो जैसे लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ होमवर्क। कॉपी का जो होमवर्क था, थ्योरी का होमवर्क, उससे हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट आप देख सकते हैं चेन आइसोमेरिज्म था। चेन आइसोमेरिज्म होमवर्क डिस्कशन है ये, ऐसा होमवर्क डिस्कशन चेन आइसोमेरिज्म है मेरे भाई। जहां नहीं है वहां मैं बता देता हूं। अगर हम बात करें चेन आइसोमेरिज्म का, फर्स्ट क्वेश्चन क्लास में हो चुका था। सेकंड में सारे चेन आइसोमर्स हैं, सारे एक दूसरे के क्या हैं, चेन आइसोमर्स हैं। फर्स्ट में आप अगर ध्यान से देखें पांच की चेन है, दूसरे में चार की चेन है, और तीसरे वाले में मतलब सेकंड के फर्स्ट कंपाउंड में पांच की चेन, सेकंड में चार की चेन, और आखिरी वाले में तीन की चेन। वही मैं थर्ड की बात करूं, थर्ड भी चेन आइसोमर है मेरे भाई, थर्ड भी चेन आइसोमर है। कैसे पता करेंगे बताओ बताओ बताओ? यहां तीन की चेन है, वन टू थ्री। यहां अगर आप देखेंगे तो चेन कितने की है, वन टू थ्री फोर। यहां चेन है चार की, ठीक है? तो देख सकते हैं आप यहां चार की चेन, तो चेन लेंथ अलग अलग है चेन आइसोमर। फोर्थ में सेम है, फोर्थ में अगर आप देखेंगे पहले में तीन की चेन, वन टू थ्री, और दूसरे में देखेंगे चेन चार की, वन टू थ्री फोर, ठीक है? फिफ्थ क्लास में हो गया था, फिफ्थ क्लास में हो गया था। सिक्स में अगर आप देखेंगे तो पहले में है पांच की चेन, लॉन्गेस्ट चेन पांच की मिलेगी, और जबकि दूसरे में जाएंगे तो लॉन्गेस्ट चेन आपको छह की मिलेगी, सिक्स्थ के ही दूसरे में, तो चेन आइसोमर। सेवेंथ को ध्यान से देखेंगे, सेवेंथ को, सेवेंथ में क्या है कि आपको पता है कि आपकी लॉन्गेस्ट चेन में हम पाई बॉन्ड को जरूर काउंट करते हैं, तो वन टू थ्री फोर ये हो गया, और दूसरे वाले में अगर काउंट करें तो आ गया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। देखें कार्बन एटम सेम है, लेकिन यहां चार की चेन है और यहां छह की चेन। आप चेन आइसोमर्स में देख सकते हैं सारे कंपाउंड जो दिए गए हैं सारे के सारे चेन आइसोमर्स। अगर आप एट की बात करते हैं, एट में भी आप देखें पहले में तीन की चेन है और एट के दूसरे में चार की चेन, तो ये चेन आइसोमर्स हो गए। आगे बढ़े, रिंग चेन में तीन क्वेश्चन दिए थे मैंने, पहला और दूसरा क्लास में हो गया था, और जो तीसरा क्वेश्चन है आई मीन इलेवेंथ क्वेश्चन, नाइन्थ और टेंथ क्लास में हो गया था, और जो उसका आगे वाला है इलेवेंथ वाला, वो भी रिंग चेन है। आप देख सकते हैं सारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, एक में रिंग है और एक में चेन है, तो ये रिंग चेन हो गया, सही है या नहीं? चलिए पोजीशन आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे दोस्त? पोजीशन आइसोमेरिज्म की। अगर आप ध्यान से देखें पोजीशन आइसोमेरिज्म तो मेरे भाई वन टू थ्री हमने क्लास में कर लिए थे, जो मुझे याद आ रहा है वन टू थ्री हमने क्लास में कर लिए थे। फोर चेन आइसोमर है, फाइव चेन आइसोमर है, सिक्स चेन आइसोमर है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। सेवेंथ की अगर मैं बात करूं, सेवेंथ की, सेवेंथ में आप देखें तो सीएल ने अपनी पोजीशन चेंज की है और बीआर ने भी अपनी पोजीशन चेंज की है। आप सारे लोग देख सकते हैं आज जो क्वेश्चन दिया गया है वो ऐसा है, सीएल सीएल बीआर बीआर, आप सारे लोग देखें यहां नंबर होगा वन टू और यहां नंबर होगा वन टू। अब आप देख सकते हैं एक बी आर वन से टू पर चला गया है और एक सी एल टू से वन पर आ गया, तो पोजीशन में चेंज है, तो ये क्लियर कट पोजीशन आइसोमर है मेरे भाई। कई लोग एट्थ को पोजीशन आइसोमर बोल देते हैं, एट्थ को पोजीशन आइसोमर बोल देते हैं, बट एट्थ जो है वो आइडेंटिकल है। एट्थ क्या है? आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल क्या भैया? आप नंबरिंग करो, पहले में भी बी आर को वन दोगे सीएल को थ्री दोगे, दूसरे में भी बीआर को वन दोगे सीएल को थ्री दोगे, आगे पीछे लिखने से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर मैं नाइन्थ की बात करूं, नाइन्थ की बात, तो नाइन्थ अलग अलग है, नाइन्थ अलग अलग है मेरे भाई, समझो बात को, क्वेश्चन के जज्बात को। कैसे? यहां नंबर क्या करोगे आप? देखो बुद्धि लगाओ, यहां नंबर क्या करोगे आप? यहां करोगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, यहां नंबर करोगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, क्योंकि हम
कम नंबर ज्यादा चीजों को देना चाहते हैं, कम नंबर ज्यादा चीजों को देना चाहते हैं। तो मैंने भाई 1 to 4 दिया जाता है, तो यहां पर भी 1 और 2 2 को दिया है, तो आप देख सकते हैं देयर इज चेंज इन पोजिशन, दैट्स व्हाई देयर पोजिशन आइसोमर्स। 10th पोजिशन आइसोमर्स है, 10th में मिथाइल अपनी पोजिशन चेंज कर रहा है, 10th में किसी को इश्यू नहीं होगा। 11th क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, कई लोग इस क्वेश्चन को पकड़ नहीं पाते, कई लोग 11th क्वेश्चन को समझ नहीं पाते, हो सकता है आप भी उसमें, हो सकता है आप भी उसमें। 11th को ध्यान से देखें, 11th को ध्यान से देखो मेरे भाई। 11th क्वेश्चन को देखा जाए अगर, तो यहां 3 की लॉन्गेस्ट चेन है, देखिए 1 2 3, और ये एक साइड चेन नंबर 2 पर है और ये मिथॉक्सी नंबर 2 पर है। देखा आप, 3 की मेन चेन में नंबर 2 पर 2 साइड चेन है मेरे भाई। यहां भी 3 की मेन चेन है, एक साइड चेन तो नंबर 2 पर ही है, पहले भी नंबर 2 पर था, लेकिन एक साइड चेन 2 से 1 पर चला गया, तो ये पोजीशन आइसोमर। सारे सुन लो ध्यान से, 3 की चेन, 3 की चेन, यहां दोनों चीजें 2 पर लगी, यहां 1 2 पर, 1 1 पर, तो पोजीशन में चेन, पोजीशन आइसोमर। 12th पोजीशन आइसोमर है, 13th पोजीशन आइसोमर है, और 14th मैंने क्लास में इसका जिक्र किया था। 14th में ध्यान से देखिए, वो बॉन्ड जो नीचे जा रही है वो N से जुड़ी हुई है, इसलिए ये पोजीशन आइसोमर है, N से जुड़ा है, आइसोसाइनाइड ग्रुप है 14th में, तो ये हो गया आपका पोजीशन आइसोमर। क्या हो गया भाई? पोजीशन आइसोमर, ठीक है। इसके बाद था भाई फंक्शनल आइसोमर्स। फंक्शनल आइसोमर में हमने 1 2 क्वेश्चन क्लास में कर लिया था, 3rd and 4th दे आर फंक्शनल आइसोमर्स। 3rd के पहले में क्या है? एसिड। दूसरे में क्या? एसिड नहीं है, एल्डिहाइड अल्कोहल है। 4th फंक्शनल है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल आइसोमर होते हैं। 5th फंक्शनल है, 5th के पहले में कीटोन है बट दूसरे में एसिड का डेरिवेटिव एसिड हैलाइड है। 5th आपका फंक्शनल है, क्लास में किया था। 6th हमने क्लास में किया था। 7th नाइट्रोनाइट्राइड, दे आर फंक्शनल आइसोमर्स। 8th को ध्यान से देखें, 8th को मेरे भाई फंक्शनल ग्रुप के 8th में एक ग्रुप है डबल बॉन्ड NOH, इसे बोलते हैं ऑक्साइन, इसलिए 8th भी फंक्शनल ग्रुप है, 8th भी फंक्शनल आइसोमर है, क्योंकि पहले में है एसिडामाइड और दूसरे में है ऑक्साइन, दे आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। 9th सारे एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं, क्योंकि हमने शुरुआत में ही पढ़ा था प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं। 10th एमाइड्स हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, एंड दे आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। 12th ध्यान से देखना, ये भी फंक्शनल आइसोमर्स हैं सारे के सारे। पहले में कीटोन और ईस्टर है, दूसरे सॉरी पहले में कीटोन और ईथर है, दूसरे में कीटोन और ईस्टर है, और लास्ट वाले में एसिड एनहाइड्राइड है। सो देयर इज अ डिफरेंस, सो देयर इज अ डिफरेंस इन फंक्शनल ग्रुप्स, दैट्स व्हाई दे ऑल आर फंक्शनल आइसोमर्स। निहायत ही हलवा क्वेश्चन, तो मैं चाहूंगा कि मैं ये हटाऊं, और आज हम पढ़ेंगे मेटामर और टॉटोमर, ठीक है। तो ये हटा रहा हूं, हम मेटामर और टॉटोमर पढ़ने जा रहे हैं। चलिए तो सारे लोग ध्यान दें, मेटामर डेफिनेशन तो अपने को सारी आती है भाई साहब, अपन ने डेफिनेशन तो सबकी समझ ली थी, तो आइए मैं आपको इसकी टेक्निकल डेफिनेशन बताता हूं। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सही है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंस, ध्यान से देखेंगे, बट डिफरेंस इन एल्काइल ग्रुप्स, डिफरेंस इन एल्काइल ग्रुप, एल्काइल मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल, इसमें फिनाइल साइक्लोहेक्साइल, इसमें डिफरेंस इन एल्काइल ग्रुप्स विद रिस्पेक्ट टू बायोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, विद रिस्पेक्ट टू बायवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, बायवेलेंट फंक्शनल ग्रुप जो है
उसमें अगर डिफरेंस है बायवेलेंट फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में, एल्काइल ग्रुप में डिफरेंस है तो हम उसे मेटामर बोलते हैं। आओ थोड़ा सा समझते हैं इसे, पहले बायवेलेंट फंक्शनल ग्रुप समझते हैं मेरे भाई। जैसे देखो OH, ये मोनोवेलेंट है, ये एक बॉन्ड बना सकता है और हमेशा OH रहेगा। लेकिन देखो ईथर, ईथर के इधर भी कार्बन चेन होगी, इधर भी कार्बन चेन होगी, तो ये अपने काम का है, ये अपने काम का नहीं है। इसी तरीके से थायोल अपने काम का नहीं है, लेकिन थायो ईथर अपने काम का है। सारे लोग देखिए, प्राइमरी अमीन अपने काम का नहीं, लेकिन मेरे भाई सेकेंडरी अमीन और टर्शरी अमीन अपने काम का है, क्योंकि इसके दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप आ सकते हैं। सिमिलरली अगर आप और कुछ देखना चाह रहे हैं तो एसिड, एसिड अपने काम का नहीं है क्योंकि ये मोनोवेलेंट है, लेकिन ईस्टर अपने काम का है क्योंकि बायवेलेंट है। इसके इधर भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है और इधर भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है। सिमिलरली सल्फोनिक एसिड या सल्फ्यूरस एसिड, ये अपने काम के नहीं है लेकिन इनके ईस्टर अपने काम के। ध्यान से देखें, लेफ्ट वाले अपने काम में नहीं आएंगे क्योंकि इसमें एल्काइल ग्रुप एक ही साइड में है, जबकि यहां दो साइड में एल्काइल ग्रुप रहेगा। एंड सेम सेंस में मैं आपको बताऊं, एसिड एनहाइड्राइड जो है ये अपने काम आ सकता है। देखें एसिड एमाइड अपने काम नहीं आएगा प्राइमरी वाला, बट सेकेंडरी और टर्शरी वाला एसिड एमाइड अपने काम आ जाएगा। देख लो मेरे भाई सारे, देखो सेकेंडरी और टर्शरी वाला एसिड एमाइड हमारे काम आ जाएगा, सेकेंडरी और टर्शरी वाला एसिड एमाइड हमारे काम आ जाएगा। अब आप कहोगे काम कैसा, बताओ तो इनका यूज क्या है, और यूज करते हैं इनका, यूज करते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल वन मेरे भाई, सारे लोग देखो, ये है CH3, ये है O, ये है CH2, ये है CH2, ये है CH3, और मैंने एक और दिया, ये है CH3, ये है CH2, ये है O, ये है CH2, ये है CH3। पहले चेक करो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सेम है, चार कार्बन चार कार्बन, हाइड्रोजन गिन लो, तीन तीन छह चार दस, दस हाइड्रोजन इसमें एक ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। नाउ डिफरेंस क्या है, इधर देखो एक बायोवेलेंट कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ईथर, यहां भी क्या है ईथर, सेम हो गया ये भी। द ओनली डिफरेंस इज एल्काइल ग्रुप, यहां क्या है मिथाइल, यहां क्या है प्रोपाइल, यहां क्या है इथाइल, यहां क्या है इथाइल। देयर इज अ डिफरेंस इन एल्काइल ग्रुप्स, सो दे आर मेटामर। इनमें क्या रिलेशन है भाई, मुंह से बोलना पड़ेगा, मेटामर। इनमें रिलेशन है मेटामर, ये मेटामर, दे आर मेटामर्स। आसान है क्वेश्चन, ऐसे में एक और क्वेश्चन लिख देता हूं, लाइक CH3 CH2S CH2 CH3 CH3S CH CH3 CH3। कर लो यार, साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि देयर इज अ डिफरेंस इन एल्काइल ग्रुप, तो खटाखट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। मेरे भाई एक चीज समझना होगा थोड़ा सा, इसके जो आजू होगा और जो बाजू होगा वो दोनों ऑक्सीजन से जुड़ा होगा, इसके भी जो आजू बाजू होगा दोनों सल्फर से जुड़ा होगा, इसके भी आजू बाजू दोनों नाइट्रोजन से जुड़ा होगा, लेकिन इसके आजू वाला कार्बन से जुड़ा है और बाजू वाला ऑक्सीजन से जुड़ा है, इसमें भी डिफरेंस हो जाएगा। समझ में आया है? जैसे मैं क्वेश्चन देता हूं, लुक एट फिफ्थ, सारे लोग फिफ्थ देखो, फिफ्थ में मैंने ये ऑक्सीजन दिया और ये कंपाउंड दिया, ठीक है, और मैंने एक और कंपाउंड दिया, सारे लोग देखो। अगर मैं पूछता हूं इन दोनों में क्या रिलेशन है, ध्यान से देखो, बताओ थर्ड में दोनों में क्या रिलेशन है, थर्ड के दोनों में ध्यान से देखो और बताओ रिलेशन क्या है, सबको बोलना है भाई साहब, मन की आंखों से देखो बेटा, मन की आंखों से, मन की आंखों से देखो, थर्ड में जो दोनों कंपाउंड हैं दे आर सेम आइडेंटिकल। अरे इसे पलट दोगे ये मिल जाएगा, ये आइडेंटिकल है। थर्ड वाला क्या है मेरे भाई, ये तो हमने कर लिया, ये कर लिया, थर्ड आइडेंटिकल है, क्या है बोलो, मुंह से बोलो, आइडेंटिकल। नाउ लुक एट फोर्थ ग्रुप, मैंने ईस्टर ले रखा है, ध्यान से देखो, और तुम देखो तुम पहले को कितना भी पलटो वो नहीं मिलेगा,
क्योंकि यहां बेंजीन कार्बन से लगा था, वहां बेंजीन कार्बन से नहीं लगा है। तो मेरे भाई ये मेटामर है, ये मेटामर है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फोर्थ मेटामर है, डिफरेंस इन एल्काइल ग्रुप हो गया। ये फिनाइल कार्बन पे है, उधर कार्बन पर नहीं है, तो एल्काइल ग्रुप में डिफरेंस हो गया। तो ये प्रश्न आप सबको अपने घर ले जाने हैं, तो ये अपने घर ले जाके करना है बहुत आराम से और तसल्ली के साथ। ये सीएल, ये बी आर, बहुत आराम से करना भाई साहब, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। इधर आ गया क्या बी आर, और इधर क्या सीएल। फिफ्थ क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन मैंने आपको दिया, मैं थोड़ा इधर वाला पोर्शन हटा देता हूं, दो चार क्वेश्चन और लिखना चाह रहा हूं बेटा। बड़ा आसान है यार दोस्त, बहुत आसान है भाई, टेंशन मत लीजिए आप। सिक्स क्वेश्चन देखते हैं, सिक्स क्वेश्चन है, एमीन मिलता, एमीन एनएच एंड एनएच ले लो। सेवेंथ आप एमाइड ले लो, चलो एमाइड ले लो, एमाइड ये देखिए। एट आपको लेना है एसिड एनहाइड्राइड ले लो, देखो एसिड एनहाइड्राइड, ये इधर एसिड एनहाइड्राइड आप देख सकते हो साफ साफ। ये ग्रुप आपका क्या है, दोनों में है। नाउ लुक एट एल्काइल ग्रुप्स, इथाइल इथाइल मिथाइल आइसोप्रोपाइल, सो देयर इज अ डिफरेंस इन एल्काइल ग्रुप्स, दैट्स व्हाई दे आर कंसीडर्ड एज मेटामर्स। तो ये मेटामर का कहानी है पूरा का पूरा, तो आप ध्यान से इसे देखें, समझें, लिखें, और बहुत हलवा सेगमेंट है यार, खटाखट किया जा सकता है, यहां कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अब हम चालू करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म का सबसे लास्ट पार्ट, कौन है वो, टॉटोमर, कौन है वो, टॉटोमर, टॉटोमेरिज्म, ठीक है। तो ये हटा के वी आर गोइंग टू स्टार्ट टॉटोमेरिज्म, ठीक है, मैं हटा देता हूं ये लास्ट टाइप है कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की, एकदम लास्ट कैटेगरी टॉटोमेरिज्म। ये है तो कॉन्स्टिट्यूशनल का पार्ट, बट ये थोड़े कॉन्स्टिट्यूशन बाकी स्ट्रक्चरल आइसोमर से थोड़ा अलग होता है, क्या डिफरेंस है उस पर हम बात करेंगे। टॉटोमेरिज्म ध्यान से देखेंगे, ध्यान से बहुत मजा आने वाला है आपको। टॉटोमेरिज्म में क्या खासियत होती है वो समझिए। चलिए पहले एक छोटा सा वाक्य सुनिए, आप सुनेंगे एक छोटा सा वाक्य, इधर मैं एक एग्जांपल कराऊंगा और उसके बाद फिर हम इधर टॉटोमेरिज्म चालू करेंगे। बहुत पहले की बात है, एग्जांपल वन सारे लोग सुनना, बहुत पहले की बात है, दो साइंटिस्ट हुआ करते थे दोस्त, ये जस्ट स्टोरी है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है, स्टोरी तो आपका थोड़ा सा सपोर्ट लेने के लिए, आपको समझाने के लिए। बहुत पहले की बात है, दो बंदे हुआ करते थे, ये दरअसल थे तो साइंटिस्ट, लेकिन एक दूसरे में कंपटीशन बहुत था, इसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था, ये इसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था। मान लेते हैं इसका नाम था डुप्पा, क्या नाम था, डुप्पा फ्रैंकलिन, हालांकि असलियत में ये बहुत अच्छे दोस्त थे, बट अपने अपन ने अपनी स्टोरी में इन्हें विलेन बना रखा, एक दूसरे के दुश्मन। फ्रैंकलिन एंड डुप्पा साइंटिस्ट थे, समय के साथ साथ लोग इन्हें भूलते जा रहे थे और ये परेशान थे, इन्होंने काफी दिन से कुछ अच्छा नहीं किया था। फिर एक दिन क्या हुआ, इसे एक कंपाउंड मिलता है मेरे भाई, वो कंपाउंड है C6H10O3। ये उस कंपाउंड को देखता है, उसकी आंखें चमक उठती हैं। अबे ऐसा नहीं कि कोई सुपर पावर आ गई, खुश हो जाता है, मतलब आंखें चमकने का मतलब खुश हो जाता है, और ये उस कंपाउंड को सैंपल को लेकर अपनी लेबोरेटरी में घुस जाता है मेरे भाई। वही दूर कहीं डुप्पा, उसे भी देखिए एक ऐसा कंपाउंड मिलता है C6H10O3, वो भी उसे देखता है, खुश हो जाता है, वो अपनी लेबोरेटरी में घुस जाता है। मेरे भाई अगर इत्तेफाक पर आपको भरोसा नहीं तो आज के बाद हो जाएगा, देखिए कितने इत्तेफाक। ये अपनी लेबोरेटरी में घुस गया और घुसने के 6 महीने बाद ये बाहर निकला,
और वो इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर ये लेकर निकला, ये इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर ये लेकर निकला। वो ये कह रहा था कि C6H10O3 ये, और डुप्पा भी एग्जैक्ट 6 महीने बाद निकला और वो कह रहा था इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर ये, वो कह रहा था इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर ये। ध्यान से देखो दोनों, ध्यान से दोनों स्ट्रक्चर को देखें आप। देखिए फ्रैंकलिन के स्ट्रक्चर में क्या क्या था, कीटोन और ईस्टर, ये कीटोन है ये ईस्टर है, और डुप्पा के इसमें क्या आया है, ईस्टर तो है ही, एल्कीन है ये डबल और ये एल्कोहल। तो मेरे भाई ये इस स्ट्रक्चर के साथ बाहर आया और ये स्ट्रक्चर के साथ बाहर आया। फिर इसने सोचा कि क्यों ना, जब आप कुछ अच्छा करते हैं तो आपका मन करता है किसी को बताया जाए और बताकर उसे जलाया जाए। तो फ्रैंकलिन ने सोचा चलो डुप्पा को बताते हैं और उसे जलाते हैं, डुप्पा ने सोचा चलो फ्रैंकलिन को बताते हैं और उसे जलाते हैं। मेरे भाई दोनों ने एक साथ एक दूसरे को फोन किया और फोन एंगेज जा रहा है क्योंकि उन्होंने एक साथ एक दूसरे को फोन किया। काफी देर बाद फिर जब इसने फोन रखा, इसका फोन लगा, इसने कहा भाई क्या हालचाल है, खाली बैठे बैठे परेशान हो गए होंगे। फ्रैंकलिन ने कहा अबे खाली तू बैठा होगा डैश, मैं तो एक कंपाउंड का स्ट्रक्चर ढूंढ रहा था। डुप्पा ने भी टॉन्ट किया होगा कोई एक कार्बन का कंपाउंड। फ्रैंकलिन अब एक कार्बन का कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या ढूंढोगे, एक कार्बन है बाकी जो चीजें उस पर लगी हुई, वो स्ट्रक्चर तो ऑब्वियसली सबको पता होता है। फ्रैंकलिन ने कहा नहीं पूरे 6 कार्बन है। मेरे भाई इसका होश उड़ गया क्योंकि 6 कार्बन के कंपाउंड पे तो ये काम कर रहा था। थोड़ी देर बाद इसने कहा 10 हाइड्रोजन, अब इसके होश उड़ गए। फिर इसने कहा 3 ऑक्सीजन। आप भाई साहब डुप्पा ने जो डैश 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 सुनाया, डैश डैश इल्जाम लगा रहा है उस पर कि तुमने मेरा फॉर्मूला चुरा लिया, और ये खूब लड़ाई हुई। लड़ाई होने के बाद फ्रैंकलिन ने कहा डुप्पा डोंट वरी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुमने जो भी किया होगा गलत किया होगा। डुप्पा ने कहा वो कैसे, फ्रैंकलिन ने कहा बताओ कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। डुप्पा ने कहा ईस्टर। फ्रैंकलिन ने कहा वो तो जब मैंने कंपाउंड देखा था तभी बता दिया था ईस्टर है, तो पता है ईस्टर में फ्रूट्स की स्मेल आती है, फ्रूट्स की स्मेल। डुप्पा ने इससे कहा अच्छा तुम बताओ ईस्टर के अलावा और क्या। फ्रैंकलिन ने कहा कीटोन। मेरे भाई डुप्पा खूब जोर जोर से ऐसे ऐसे करके हंसा, उसने कहा गलत, इसके अंदर कीटोन नहीं है, इसके अंदर है अल्कोहल। और अब हंसने की बारी किसकी थी, फ्रैंकलिन की। ये हंसने लगा और कहने लगा डुप्पा 1000 बार कहा है छोड़ दो, तुम्हारी आदत ऐसी हो गई कि हर जगह तुम्हें अल्कोहल दिखने लगा। मेरे भाई दोनों अपने अपने स्ट्रक्चर को लेकर रिजिड थे, वो कह रहा ये सही है, वो कह रहा वो सही। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना किसी हाईली टैलेंटेड बंदे से इसका समाधान लिया जाए, और ये दोनों निसंदेह सीधा मेरे पास आए। और आते ही इन्होंने कहा कि सर ये पूरा माजरा है, आप बताइए कौन सा स्ट्रक्चर सही है। मैंने फ्रैंकलिन को केवल ये कहा कि जो रिएक्शन डुप्पा ट्राई कर रहा है वो अपने सैंपल पर ट्राई करो, और डुप्पा को बोला जो फ्रैंकलिन ट्राई कर रहा है वो अपने सैंपल पर ट्राई करो। और ये बोलकर मैंने उन्हें अगले दिन के लिए बुलाया। अगले दिन दोनों आए, आते ही दंडवत हो गए। उन्होंने कहा सर ये मेरा जो स्ट्रक्चर है वो इसके सारे टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो ये वाले सारे टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये कमाल कैसे हो रहा है। आइए इसे मैं क्वेश्चन का फॉर्म देता हूं, इस चीज को मैं क्वेश्चन के रूप में आपके सामने रखता हूं, सारे लोग देखें। Example 1 ए कंपाउंड, देखिएगा अच्छा क्वेश्चन है, पूरे सिचुएशन को मैं क्वेश्चन के फॉर्म में रख रहा हूं, ठीक है। अ कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H10O3, ठीक है, शोस फॉलोइंग पॉजिटिव टेस्ट या फॉलोइंग टेस्ट। आओ देखो जरा, ए मेरे भाई पॉजिटिव टेस्ट, पॉजिटिव टेस्ट फॉर एल्कोहल, एल्कोहल के लिए पॉजिटिव टेस्ट, कंपाउंड ये है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है, पॉजिटिव टेस्ट फॉर कीटोन सी, पॉजिटिव टेस्ट फॉर ईस्टर। नाउ कमेंट ऑन स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड, ये क्वेश्चन है, मैं यहां लिख रहा हूं कमेंट ऑन स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड, सारे लोग देखना, ठीक है। चलिए पहले प्रॉब्लम समझिए, प्रॉब्लम क्या है। अल्कोहल कंफर्म मतलब कंपाउंड में OH है, कीटोन कंफर्म मतलब कंपाउंड में C डबल बॉन्ड O है, ईस्टर कंफर्म मतलब कंपाउंड में ये है,
देखो जरा ध्यान से, क्या आपका भेजा फ्राई हुआ या नहीं? हाउ इट इज पॉसिबल? एल्कोहल है तो एक ऑक्सीजन, कीटोन है तो एक और ऑक्सीजन, ईस्टर है तो दो और ऑक्सीजन, टोटल ऑक्सीजन चार। फॉर्मूले में कितने हैं? फॉर्मूले में कितने हैं? तीन। हाउ इट इज पॉसिबल? सेम सिचुएशन यहां पर है। एक कंपाउंड जो तीन ऑक्सीजन रखने वाला है वो एल्कोहल, कीटोन, ईस्टर तीनों का टेस्ट दे रहा है। अरे ऑक्सीजन तीन है लेकिन चार का कैसे टेस्ट दे सकते हैं? यही है जो मैंने आपको बताया है, इन्वेस्टिगेशन का केस है। डिटेक्टिव बनो, हाउ इट इज पॉसिबल? भैया कोई जादू वादू नहीं होता, तीन ऑक्सीजन है तो भैया या तो ये फंक्शनल ग्रुप होंगे या ये होंगे, लेकिन ये टेस्ट सबका दे रहा है तो इसका मतलब है ये भी होगा और ये भी होगा। क्या आप समझ रहे हैं? मतलब ये जो कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड है ये अकेला नहीं है, ये जो कंपाउंड है जिसकी चर्चा हो रही है ये अकेले एग्जिस्ट नहीं करता। इसकी दो फॉर्म्स हैं जो एक साथ एग्जिस्ट करती हैं एंड दे आर इन इक्विलिब्रियम, दे आर इन इक्विलिब्रियम। तो ये आपको यहां पर कमेंट करना पड़ेगा, इट कैन ओनली बी एक्सप्लेन्ड, इट कैन ओनली एक्सप्लेन्ड व्हेन व्हेन कंपाउंड कंपाउंड इज अ मिक्सचर एज सोन एवर, एज सोन एवर, इसका मिक्सचर हो एज सोन एवर। मेरे भाई इन दोनों को ध्यान से देखा जाए, इन दोनों को ध्यान से देखा जाए तो इनमें क्या डिफरेंस है? इन दोनों को ध्यान से देखा जाए तो इनमें क्या डिफरेंस है? ईस्टर वाला पार्ट तो दोनों जगह सेम है, इस कार्बन के दो एच में से, इस कार्बन के दो एच में से एक एच निकलकर ऑक्सीजन पर आ गया है, एक एच निकलकर ऑक्सीजन पर आ गया। और आपको मैं बता दूं जो आप टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं टोटेमिज्म, उसमें यही होता है, उसमें यही होता है। सारे लोग देखें, इसमें एक एटम ऑसिलेट करता है, क्या करता है मेरे भाई? एक एटम ऑसिलेट करता है, मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, ये देखें ये ऑसिलेट करता है और ये एच से ऑक्सीजन पर जाता है और इस टाइप का आपको सारे लोग देखें। तो क्या आप देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन एटम जो है वो दो साइड्स के बीच में ऑसिलेट कर रहा है, कार्बन से ऑक्सीजन पर गया और ऑक्सीजन से वापस कार्बन पर आया। तो मेरे भाई आप देख सकते हैं ये ऑसिलेशन फिनोमेना की वजह से दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं और इन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम टॉटोमर और फिनोमेना को टॉटोमिज्म बोलते हैं। ठीक है, सो टॉटोमिज्म में हम लिख सकते हैं सच, सच काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म, सच काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म एराइजिस, एराइजिस ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ मोनोवैलेंट एटम, ऑफ मोनोवैलेंट एटम। ऐसे इस टाइप की आइसोमेरिज्म क्रिएट होती है एक मोनोवैलेंट एटम के ऑसिलेशन से। ठीक है, फुल स्टॉप। स्ट्रक्चर्स ऑब्टेन्ड आर नोन एज टॉटोमर्स, आर नोन एज टॉटोमर्स and phenomena is, and phenomena is known as, phenomena is known as tautomerism, phenomena को हम tautomerism बोलते हैं। ये एक example साथ में रख दिया है, ये एक monovalent atom है जो टहल रहा है इधर से उधर, उधर से इधर, hydrogen atom। तो इन दोनों को देखो, structure अलग अलग, structure अलग isomers है, यही दोनों स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, यही दोनों टॉटोमर हैं। ठीक है, तो ये है टॉटोमेरिज्म का और ये एक एग्जांपल और एक स्टोरी के तहत हमने पूरे मामले को समझा। मेरे भाई आप पहले थ्योरी लिखना, ये पहले पूरी थ्योरी लिखना, बाद में ये एग्जांपल कर। ठीक है, तो अब मैं यहां पर एक छोटा सा पॉइंट और बताना चाहूंगा, टाइप ऑफ टॉटोमेरिज्म, टाइप ऑफ टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म बहुत टाइप की होती है, उसमें से हम आईआईटी जेई में जो है उस पर हम ज्यादा तवज्जो देंगे, ध्यान से देखें समझें।
मेरे भाई टाइप ऑफ टोटेमिज्म में मैं आपको खुला बताऊं कि दो टाइप के टोटेमिज्म होती है। पहला है एनायनोट्रॉपी टोटेमिज्म, पहला है एनायनोट्रॉपी टोटेमिज्म, पहला है एनायनोट्रॉपी टोटेमिज्म। पहले ये कॉलम सबसे पहले थ्योरी कॉपी में लिखेंगे। एनायनोट्रॉपी टोटेमिज्म का क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर वो ऑसिलेटिंग एटम एनायन है तो लिखें, मैं यहां लिख देता हूं, इफ ऑसिलेटिंग एटम इज एनायन टोटेमिज्म इज नोन एज एनायनोट्रॉपी टोटेमिज्म। इसे हम एनायनोट्रॉपी टोटेमिज्म बोलेंगे। अब एक अच्छी न्यूज, आप सुन के खुश हो जाएंगे, ये जो एनायनोट्रॉपी टोटेमिज्म है इसमें आप साफ साफ लिख लेंगे कि ये आईआईटी में नहीं है, नॉट इन आईआईटी जेई सिलेबस। टोटेमिज्म की एक टाइप है एनायनोट्रॉपी, वो आईआईटी जेई के सिलेबस में नहीं है, तो हम इसकी दूसरी टाइप पढ़ेंगे, वो जेई के सिलेबस में है। आप एक चीज याद रखेंगे, ये एग्जांपल बाद में करिएगा, पहले थ्योरी वाला पार्ट, तो मैं ये हटा रहा हूं, ये आपने पूरा देख लिया एनायनोट्रॉपी, ये हमें नहीं पढ़ना है, ये हमारे आईआईटी का पार्ट नहीं है। अब जैसे एनायनोट्रॉपी है दोस्तों, ऐसे ही एक वैरायटी है कैटायनोट्रॉपी। क्या है? बोलो क्या है? सेकेंड टाइप जो है दैट इज कैटायनोट्रॉपी टोटेमिज्म। सॉरी, इसकी डेफिनेशन गेस करो, एनायनो में अगर ऑसिलेटिंग एटम एनायन था तो यहां ऑसिलेटिंग एटम क्या हो जाएगा बताइएगा? इफ ऑसिलेटिंग एटम इज ए कैटायन, ऑसिलेटिंग एटम इज ए कैटायन, देन बताइए क्या हो जाएगा? टोटेमिज्म इज नोन एज, बोलो सारे, टोटेमिज्म इज नोन एज क्या? कैटायनोट्रॉपी टोटेमिज्म, कैटायनोट्रॉपी टोटेमिज्म। यहां पर कैटायन माइग्रेट करेगा, जो मैंने H वाला एग्जांपल दिया था, दरअसल H प्लस से कार्बन का H तो हमेशा H प्लस के फॉर्म में निकलेगा, तो ये कैटायनोट्रॉपी, यहां पर भी कैटायनोट्रॉपी है, H मूव कर रहा है और कार्बन से H प्लस फॉर्म में निकलेगा। तो मेरे भाई कैटायनोट्रॉपी ये बहुत इजी सेगमेंट है, और आपको मैं बताऊं इसकी भी टाइप्स होती है, इसी को हमें कायदे से पढ़ना है, टाइप्स ऑफ कैटायनोट्रॉपी। आओ बच्चों तुम्हें बताएं कैटायनोट्रॉपी की टाइप्स बताएं। मेरे भाई इसकी तीन टाइप बेसिकली हम पढ़ने जा रहे हैं, आईटी में तीन टाइप हैं जिस पर हम सबसे ज्यादा बात करेंगे। पहला है डायड सिस्टम, बोलो सारे, एक बार मुंह से, डायड सिस्टम। डाय मतलब दो। देखें क्या मतलब है इसका, देखें, when oscillating atom oscillates, जब वो एटम पर ही गेम चल रहा है पूरा, when oscillating atom oscillates between atom 1 to 2 and 2 to 1, atom number 1 से 2 पर 2 से 1 पर, तो ऐसे सिस्टम को हम डायड सिस्टम बोलते हैं। बिटवीन 1 to 2 and 2 to 1 अगर ऐसा ऑसिलेशन है, देन सिस्टम इज नोन एज डायड सिस्टम।
सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, डायट सिस्टम। अब आप एग्जांपल देखने के लिए उत्सुक हो रहे होंगे, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सारे लोग देखो, ये एग्जांपल है मेरे भाई, क्या कभी आपने HCN सुना है? क्या कभी आपने HCN सुना है? HCN, सारे बोलो सारे। क्या आपने कभी नाइट्रस एसिड सुना है? नाइट्रस एसिड HNO2, HON। मेरे भाई HCN में कार्बन 1 है और ये नाइट्रोजन 2 है, HNO2 में ऑक्सीजन 1 है और नाइट्रोजन 2 है। H जो है, H ध्यान से देखो, H HCN जो है वो HNC के साथ, HNC के साथ इक्विलिब्रियम में होता है। और आप देख सकते हैं N क्या था, 2, N क्या था, 2, और कार्बन क्या था, 1। तो 1 से 2, 2 से 1 के बीच में ऑसिलेशन होता है। और HNO2 में आप देख सकते हैं HN पर रहता है डबल बॉन्ड एंड O। यहां पर भी देख सकते हैं 1 से 2, 2 से 1 ऑसिलेट कर रहा है, तो ये 1, ये 2। डायट सिस्टम के बहुत ज्यादा एग्जांपल्स नहीं है, यही एग्जांपल्स हैं, पेपर में आएगा तो यहीं से आएगा, तो यू कैन बी रिलैक्स। डायट सिस्टम खत्म, ये चालू, ये खत्म, दो ही एग्जांपल, यही पढ़ लो काम हो जाएगा। तो मेरे भाई डायट सिस्टम, केटायनोट्रॉपी की टाइप्स हम कर रहे हैं उसमें डायट सिस्टम, और डायट सिस्टम के बाद का जो है वो है ट्रायड सिस्टम। तो ये आप देख लें, मैं ये हटाने वाला हूं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, थ्योरी कॉपी में पहले ये थ्योरी लिखेंगे, जब ये थ्योरी खत्म हो जाएगी तो ये एग्जाम्पल लिखें, ठीक है? ये हटा दूं मैं, ये हटा दूं, ठीक है? चलिए ये मैं हटा देता हूं, अच्छा डायट सिस्टम समझ गए? जरा यहां बुद्धि लगाओ, यहां H कहां से कहां माइग्रेट हो रहा है, 1, 2, 3। H 1 का है, गया कहां, 3 पर, देखो देखो 1, 2, 3। तो मेरे भाई 1 से 2, 2 से 1 तो डायट, 1 से 3, 3 से 1 तो ट्रायड, उसी से मिलता जुलता अपन कर लेते हैं। बी पार्ट हो गया ट्रायड सिस्टम, और डेफिनेशन आप खुद बोलोगे, मैं नहीं बोलूंगा, डेफिनेशन आप खुद बोलेंगे, सोचिए क्या हो। अगर 1 से 2, 2 से 1 है डायड, तो ट्रायड क्या होना चाहिए बताओ? इफ एटम ऑसिलेट्स बिटवीन एटम 1, 2, 3 एंड 3, 2, 1, देन क्या हो जाएगा, सिस्टम इज नोन एज ट्रायड सिस्टम, तब हम सिस्टम को ट्रायड सिस्टम बोलते हैं। आप देख लें सारे, सिर्फ एग्जाम्पल चाहिए, एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें एग्जाम्पल में क्या दिक्कत है, एग्जाम्पल 1 ये लिखा है साइड में, साइड वाले एग्जाम्पल को ध्यान से देखो, ट्रायड है या नहीं, चेक करो ट्रायड है या नहीं। तो यही वाला लिख लेते हैं, यहां पे ईस्टर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, सारे लोग देखिए, ठीक है? एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड, एटलीस्ट एक एच तो हो कम से कम, हाँ वही ऑसिलेट करेगा, एंड ओ एच डबल बॉन्ड, दिस इज लुक एट, यहां कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, इट्स अ कीटो, दैट्स व्हाई दिस एग्जांपल इज नेम्ड एज कीटो, एंड यहां डबल बॉन्ड है, दैट व्हाई इट इज इन एंड अल्कोहल है इनॉल। सारे लोग देखिए, ये है कीटो, बिकॉज यहां कीटोन मौजूद है, यहां कीटोन मौजूद है इसलिए इसे कीटो फॉर्म बोलते हैं, यहां डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड से इन उठा लिया और एल्कोहल से ऑल उठा लिया, इनॉल, ठीक है? दिस इज कीटो फॉर्म, दिस इज इनॉल फॉर्म, और ये है किसमें, रिवर्सिबल सिस्टम में। तो मेरे भाई पहले तो इसका नाम एग्जांपल का कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, एंड दिस इज योर कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, सो इजी, दिस इज योर कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म।
मेरे भाई जेई में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैक्सिमम कीटोइनॉल से ही पूछा जाता है। किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं? पहला, कीटो है तो इनॉल बनाना, वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा, एकदम रिलैक्स है। एक प्रश्न और उठता है, ये रिवर्सिबल सिस्टम है, तो अगर मैं के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालूं तो आप बता सकते हैं कि ये आएगा इनॉल कंसंट्रेशन अपॉन कीटो कंसंट्रेशन। इतना तो पढ़ा होगा फिजिकल केमिस्ट्री में यार, इनॉल कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन एक्टिव मास लेते हैं और इधर इसका लेते हैं, बाकी डिटेल में आप फिजिकल में पढ़ेंगे। तो मेरे भाई के एक से ज्यादा है, एक से कम है या इक्वल टू वन है, वो तो डिपेंड करेगा कि इनका परसेंटेज कितना है। दिस इज एक्चुअली परसेंटेज ई लीटर। तो ये ज्यादा होगा, अगर ये ज्यादा होगा तो ग्रेटर देन वन आ जाएगा, अगर नीचे वाला ज्यादा होगा तो लेस देन वन आएगा, और दोनों बराबर होंगे तो इक्वल टू वन आएगा। वैसे इनकी सकल सूरत बता रही है दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि इन दोनों के स्ट्रक्चर्स अलग है। रिवर्सिबल सिस्टम का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं पूरी केमिस्ट्री का। अगर रिएक्शन रिवर्सिबल है, अगर रिएक्शन रिवर्सिबल है तो मेरे भाई जो ज्यादा स्टेबल होता है उसी का परसेंटेज ज्यादा होता है, जो ज्यादा स्टेबल होता है उसी का परसेंटेज ज्यादा होता है। तो दोस्तों अगर हम ये पता कर लें कि ये ज्यादा स्टेबल है या ये ज्यादा स्टेबल है, अगर हम ये पता कर लें तो हमें सीधा सीधा आइडिया लग जाएगा कि उसका परसेंटेज उसी रेशियो में ज्यादा रहेगा। अब मेरे भाई ये टास्क है हमारे सामने, हाउ कैन वी फाइंड आउट कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है, तो सिंपल सा प्रश्न है। लेकिन अब आप कहोगे स्टेबिलिटी देखनी तो आपने सिखाई है, यही बात समझनी है। स्टेबिलिटी देखना हमें आता है केटायन की, जिसपे प्लस चार्ज लगाओ, कटाक्ष से रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन इंडक्टिव लगा लेते हैं। एनायन की, उस पर भी हम रेजोनेंस इंडक्टिव यूज करते हैं। रेडिकल की वो भी कर लेते हैं, बट दीज आर नॉट केटायंस, नॉट एनायंस, नॉट रेडिकल्स, दीज आर मॉलिक्यूल्स, दीज आर कंपाउंड्स। और कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी हमेशा 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 बॉन्ड एनर्जी से निकाली जाती है। किससे निकाली जाती है? बॉन्ड एनर्जी से। इसका क्या मतलब? इसके अंदर जितनी भी बॉन्ड्स हैं उनकी बॉन्ड एनर्जी का डेटा जो है वो लो, और जितनी भी बॉन्ड्स हैं उसे ऐड कर लो, पूरी एनर्जी की वैल्यू को ऐड कर लो, तो इसकी कुछ वैल्यू आएगी। इसके अंदर जितनी बॉन्ड्स हैं उनकी बॉन्ड्स की एनर्जी को, बॉन्ड एनर्जी को ऐड कर लो, उसकी एक वैल्यू आएगी। अब जिसकी बॉन्ड एनर्जी का नेट बॉन्ड एनर्जी ज्यादा आएगी वो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा। इसका मतलब उसे तोड़ने में उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी, उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी मतलब वो मॉलिक्यूल स्टेबल है। तो मेरे भाई इट्स अ डेटा एक्चुअली। सो यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि आप चाहें तो मैं बॉन्ड एनर्जी डेटा भी दे दूंगा, जोड़ जाड़ कर देख लेना, सेम आएगा। ओके, सिंस बॉन्ड एनर्जी, दिस इज कीटो, कीटो फॉर्म, अगर आप कीटो के सारी बॉन्ड्स की बॉन्ड एनर्जी ऐड कर लें वो ज्यादा आती है मेरे भाई बॉन्ड एनर्जी ऑफ इनॉल। ये वैल्यू ज्यादा आती है बॉन्ड एनर्जी ऑफ इनॉल, नेट पूरा जोड़ जाड़ लो, उससे ज्यादा आती है वैल्यू। तो मेरे भाई अगर ये वैल्यू कीटो की ज्यादा आती है तो इसका क्या सीधा सीधा मतलब है कि कीटो इनॉल से स्लाइटली ज्यादा स्टेबल है, और कीटो का परसेंटेज इनॉल से स्लाइटली डोमिनेट करेगा। स्लाइटली वर्ड तो मैं बता रहा हूं इसलिए आपको पता चलेगा, अदरवाइज यू कैन नॉट, आप ऐसे नहीं कर सकते इसे। तो यहां से क्या होगा बताइए, यहां से क्या कंक्लूड हुआ? यहां से कंक्लूड हुआ कीटो डोमिनेट्स ओवर इनॉल, मानते हो या नहीं सारे लोग, कीटो डोमिनेट्स ओवर इनॉल, कीटो फॉर्म डोमिनेट करती है इनॉल फॉर्म के। और मेरे भाई हेंस यहां से साफ साफ प्रूफ हो रहा है, हेंस इट इज प्रूफ दैट के इज लेस देन वन, जो के है वो लेस देन, अरे कीटो डोमिनेट करेगा तो कीटो ज्यादा है, कम अपॉन ज्यादा लेस देन वन। मेरे भाई ये है कीटो इनॉल टॉटमिज्म। लेकिन आपको यहां पर कई और सुंदर सुंदर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे मैं क्वेश्चंस बताता हूं क्या है, ट्रायड को हटाता हूं सारे लोग देख रहे, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है परसेंटेज इनॉल कैसे निकाले, परसेंटेज इनॉल मतलब कीटो दे दिए गए आपको, ऐसी तीन अलग अलग कंपाउंड के कीटो, कीटो वन, कीटो टू, कीटो थ्री, इसका इनॉल बनाओ, इसका इनॉल बनाओ, इसका इनॉल बनाओ। क्वेश्चन पूछा गया है किसका इनॉल सबसे ज्यादा होगा परसेंटेज में, परसेंटेज इनॉल, ठीक है।
तो परसेंटेज इन्वॉल्व बहुत सिंपल फंडा है, बहुत सिंपल फंडा है। परसेंटेज इन्वॉल्व में आपको ये देखना है कि अगर कोई इन्वॉल्व एरोमेटिक है, अगर कोई इन्वॉल्व एरोमेटिक है ज्यादा स्टेबल होगा तो इन्वॉल्व परसेंटेज ज्यादा होगा। आपको देखना है कि अगर इन्वॉल्व में एक्सटेंडेड कंजुगेशन है, मेरे भाई एक्सटेंडेड कंजुगेशन अगर इनॉल में आ रहा है, किसी में बहुत ज्यादा कंजुगेशन, किसी में कम, किसी में बिल्कुल ना के बराबर, तो मेरे भाई जिसमें सबसे ज्यादा कंजुगेशन है वो परसेंटेज ज्यादा होगा। मेरे भाई एक्सटेंडेड कंजुगेशन के बाद एक और है, फाइव और सिक्स मेंबर्ड चिलेट या हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्ड, इसी को चिलेट बोलते हैं, चिलेशन। ठीक है मेरे भाई, बहुत सारे पॉइंट्स लिखे जा सकते हैं। अच्छा खुद सोचो, अगर ये ज्यादा एसिडिक हो, ज्यादा एसिडिक हो तो यहां से निकलने को बेकरार होगा, निकल जाएगा, निकल के यहां जाएगा। तो मेरे भाई समटाइम्स वी कैन राइट के ए ऑफ अल्फा सी एच ऑफ कीटो, कीटो के अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन का के ए ज्यादा होगा तो ये ज्यादा एसिडिक होगा, जल्दी निकलेगा तो इनॉल बनने के चांसेस ज्यादा होगा। So these are the points जब हम कई इनॉल्स को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, कई इनॉल्स को कंपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल आप लिखेंगे कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, ये और उसके बाद परसेंटेज इनॉल ये लिखेंगे। ठीक है, आपको एक और चीज समझनी पड़ेगी, ये क्या बोल रहा है, वॉट इज दिस क्वेश्चन इज मीन फॉर। ये कह रहा, मान लो आपको कीटोन मिले तीन, एक दो तीन चार पांच, कितने मिले, एक दो तीन, उनके इनॉल्स को आपस में कंपेयर, एक कीटो उसका तुमने इनॉल बनाया, दूसरा कीटो उसका इनॉल बनाया, तीसरा कीटो उसका इनॉल बनाया, अब वो जो तीन इनॉल बने उन इनॉल को आपस में कंपेयर करना, दिस इज द क्वेश्चन। ओके, बट देयर मे बी क्वेश्चन कि जो पहला कीटो था और उसका जो इनॉल था, उस इनॉल को खुद के कीटो से कंपेयर करना हो, उसके इनॉल को खुद के कीटो से कंपेयर करना। अब आप कहोगे वो तो आपने बता दिया कि कीटो अपने इनॉल से हमेशा ज्यादा होगा, ना ना ना, यही तो मजेदार बात है, कीटो डोमिनेट्स ओवर इनॉल, आई एग्री, कीटो की बोन एनर्जी ज्यादा आई है इनॉल से। सोचो जरा अगर इनॉल में कुछ एडिशनल फीचर्स और आ जाएं जो कीटो में ना हो, तो मेरे भाई इनॉल की बोन एनर्जी चेंज हो सकती है या नहीं। अब आप कहोगे कैसे, मान लो इनॉल एरोमेटिक हो जाए, तो एरोमेटिक हो जाएगा तो उसमें रेजोनेंस एनर्जी भी एड हो जाएगी। मान लो इनॉल में चिलेशन बन गया, एक्स्ट्रा बॉन्ड आ गई, हाइड्रोजन बॉन्ड एक्स्ट्रा बॉन्ड, उसकी भी बॉन्ड एनर्जी जोड़ोगे। तो देयर आर फ्यू केसेस इन विच बॉन्ड एनर्जी ऑफ इनॉल वुड बी ग्रेटर देन बॉन्ड एनर्जी ऑफ कीटो। यहां पर क्वेश्चन आईडी पूछता है, तो मैं सीधा सीधा इस एग्जाम्पल को हटा के सीधा उसी बात पर आपको लेकर आता हूं, ध्यान से सुनना। This relation is for when you are comparing various enols with each other, okay? But अब मैं जो लिखने जा रहा हूं उसे जरा ध्यान से समझेंगे, ठीक है? Bond energy of enol, ठीक है? May dominate. Bond energy of enol would dominate. ध्यान से लिखेंगे. Would dominate over bond energy of keto. Bond energy of keto in following cases. मेरे भाई बहुत टेक्निकल लिखा है बट देसी मतलब समझ रहे हो। Bond energy would dominate का मतलब क्या है, सारे बताओ पहले इसका क्या मतलब है। Bond energy of enol would dominate over bond energy of keto in following cases. इसका सीधा सीधा मतलब है percentage enol would be greater than परसेंटेज कीटो। ऑब्वियसली बात है, अगर बॉन्ड एनर्जी ऑफ इनॉल ज्यादा हो गया तो ज्यादा स्टेबल होगा तो इनॉल का परसेंटेज ज्यादा होगा। तीन केस आईटी के लिए, तीन केस हैं याद रखना, ए बी सी, सारे लोग सुनना। पहला केस, इफ इनॉल इज एरोमेटिक, इफ इनॉल इज एरोमेटिक, अगर किसी कीटो का इनॉल एरोमेटिक है तो भैया वो अपने कीटो से ज्यादा ही होगा, ठीक है ना, ये केस हो गया। सेकेंड, इफ कीटो इज साइक्लिक वन टू डाई कीटो,
साइक्लिक 1-2 डायकीटो। अगर कीटो साइक्लिक है और उसमें अगल बगल डबल बॉन्ड हुआ है, जस्ट अगल बगल 1-2-1-2, तो मेरे भाई उसका इनॉल कीटो से ज्यादा होगा। ऊपर लिखा हुआ रिजल्ट लिखा हुआ होगा। एक और, इफ कीटो इज 1-3 डायकार्बोनाइल, 1-3 डायकार्बोनाइल, एक वन पर डबल बॉन्ड है तो एक गैप करके 1-2 गैप करके 3 पर होना चाहिए। लेकिन एक बात याद रखना, कार्बोनाइल को हम यहां पर एल्डिहाइड या कीटोन ही लेंगे और कुछ नहीं लेंगे। आइदर एल्डिहाइड और कीटोन, ये समझना पड़ेगा आपको। ये वो तीन केस हैं जब इनॉल अपने कीटो को ही हरा देगा। एंड दीज आर द केसेस में अलग अलग कीटो के जो इनॉल बने, इवन E2 E3 क्वेश्चन करें, उन्हें आपस में कंपेयर करें इसके लिए। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट, यहां से डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा, पूछा जाएगा। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। एंड नाउ दिस वॉज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ ट्रायड सिस्टम, दैट इज कीटो इनॉल टॉटमिज्म, कीटो इनॉल टॉटमिज्म, जिसके साथ मैंने ये लिखा है। अच्छा, मैक्सिमम क्वेश्चन परसेंटेज इनॉल के रहते हैं, मैं कुछ और एग्जांपल्स लिखाऊंगा, बट ये इनॉल वाला ये सेगमेंट जो है, इसी को आप हर जगह रिलेट करेंगे। मैं हटा देता हूं ये, ठीक है। चलिए आइए लाइक सेकेंड एग्जांपल पर चलते हैं। अभी ट्रायड के एग्जांपल चल रहे हैं दोस्त, ट्रायड के एग्जांपल चल रहे हैं। मैंने एक एग्जांपल दिया, मैंने O की जगह N लगा दिया, O की जगह N लगा दिया, ठीक है। तो ये H कहां ऑसिलेट करेगा, नाइट्रोजन कार्बन के बीच में, ठीक है। ऑसिलेट लाइक दिस, तो यहां क्या आ जाएगा, CNH एंड डबल बॉन्ड। तो अगर आप देखें तो C डबल बॉन्ड N को हम क्या बोलते हैं, C डबल बॉन्ड N को बोलते हैं इमाइन, और यहां क्या है डबल बॉन्ड, तो ये हो गया इन, और इसे क्या बोलते हैं एमीन, तो इसका नाम हो गया इमाइन इनेमाइन टॉटमिज्म। ये देखिए, और मेरे भाई इसके लिए भी आप समझ जाएंगे इस चीज से, क्या समझ गए क्या, के इज लेस देन वन, इसका मतलब दिस फॉर्म डोमिनेट्स ओवर दिस फॉर्म। ये तो डेटा ही है बेटा, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी आपको उस चीज की कैलकुलेट करके देखनी पड़ेगी। तो मैं आपको ऐसा दिल दिखा, एक साथ एग्जांपल्स ऐसे एक साथ क्लब करूंगा जिसमें आपको रिलेशन दिखाई दे, जैसे के लेस देन वन पीछे भी था, इसमें भी है के लेस देन वन। आइए एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एग्जांपल 3 मेरे भाई। अगर मैं आपको दूं एन, ये देखो ये है नाइट्रो ग्रुप, NO2 ग्रुप, आपने देखा होगा, सुना भी होगा, और आप देख रहे हैं यहां पर ऐसे चलेगा ना ऑसिलेशन, चलेगा नहीं चलेगा, H जो है यहां से यहां भागेगा, तो भाई क्या बन जाएगा बताओ जरा, H गया ऊपर, बॉन्ड यहां, एक सिंपल सा एक डील हो रही है, एक क्या हो रही है डील, ये नाइट्रोजन कार्बन से कह रहा तुम मुझे एच दो, तुम मुझे एच दो, मैं तुम्हें बॉन्ड दूंगा। देखो उसने एच दे दिया, इसने बॉन्ड दे दिया, फिर कार्बन क्या बोल रहा है, तुम मुझे एच दो, मैं तुम्हें बॉन्ड दूंगा, ये बन जाएगा। तो मेरे भाई बहुत क्लियरली आप इस चीज को समझ सकते हैं ना, लुक एट दिस फंक्शनल ग्रुप इज नाइट्रो, दिस फंक्शनल ग्रुप इज नाइट्रो, एंड दिस इज नोन एज एसी नाइट्रो, दिस इज कॉल्ड एज एसी नाइट्रो। नाम है यार, काय को टेंशन लेते, नाम में भी टेंशन, नाइट्रो एसी नाइट्रो टॉटमिज्म, एंड इसका भी जो K आता है that is less than one, इसका मतलब this form again dominates over this form, ठीक है, and it is calculated by bond energy data। So ये तीन examples हैं, जल्दी से देख लें, समझ लें, एक दो examples और करेंगे हम। Okay, so ये हटा देता हूं, ये दोनों examples हटा देता हूं, second and third। Now look at fourth example, example number 4। आपको पता है ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, बताओ बताओ सारे बताओ,
कौन सा फंक्शन होगा, डील करा दो वही डील, एच दो बॉन्ड लो, कार्बन को ऑक्सीजन ने क्या बोला, तुम मुझे एच दो मैं तुम्हें बॉन्ड दूंगा, दे दिया भाई साहब उसने। दिस फंक्शनल ग्रुप इज नाइट्रोसो, दिस फंक्शनल ग्रुप इज नाइट्रोसो एंड दिस फंक्शनल ग्रुप इज नेम्ड एज ऑक्साइन, नाइट्रोसो ऑक्साइन टॉटोमेरिज्म। सारे देखो नाइट्रोसो ऑक्साइन टॉटोमेरिज्म मेरे भाई, यहां के आता है ग्रेटर देन वन, सरप्राइजिंगली तीन चार एग्जांपल पढ़े, तीन में लेस देन वन है। अब आपको क्यों आता है, इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा आती है, मैं क्या करूं इसमें सारी बॉन्ड्स की एनर्जी ऐड करो तो ज्यादा आती है, मतलब ये डोमिनेटिंग फॉर्म है, मतलब ये स्टेबलाइज्ड फॉर्म है, इससे ज्यादा स्टेबलाइज्ड फॉर्म है। तो याद रखेंगे नाइट्रोसो ऑक्साइन में ऑक्साइन ज्यादा डोमिनेटिंग होता है। तो आपने पढ़ा है कि टाइनोट्रॉपी के सिस्टम्स में डायड सिस्टम, ट्रायड सिस्टम के ये एग्जाम्पल्स थे, ट्रायड सिस्टम्स के ये एग्जाम्पल थे, और लास्ट लास्ट के टाइनोट्रॉपी का जो है वो है स्पेस टॉटोमेरिज्म। क्या है मेरे भाई, बोलो सारे बोलो, स्पेस टॉटोमेरिज्म। आप बताओ डायड क्या था, सारे बोलो, सारे बोलो डायड क्या था, डायड ऑसिलेशन बिटवीन एटम नंबर 1 to 2, 2 to 1, 1 to 2, 2 to 1। ट्रायड क्या था, 1 to 3, 3 to 1, 1 to 3, 3 to 1। स्पेस क्या है अदर देन डायड एंड ट्रायड, डायड और ट्रायड के अलावा सारे, डायड और ट्रायड के अलावा सारे, 5 से आ रहा, 15 से आ रहा, 50 से कोई आ रहा है ऑसिलेट कर रहा है तो सारे स्पेस टॉटोमेरिज्म। आइए मैं डेफिनेशन लिखता हूं, व्हेन ऑसिलेटिंग ऑसिलेटिंग एटम ऑसिलेट्स अदर देन डायड एंड ट्रायड सिस्टम, अदर देन डायड एंड ट्रायड सिस्टम, तो उस टॉटोमेरिज्म को हम बोलेंगे स्पेस टॉटोमेरिज्म। देखो मगर बोर्ड पर मजा आएगा आपको, लुक एट दिस कंपाउंड मेरे भाई, ये जो H है ये बहुत दूर है, नंबर लिखो 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन ये दोनों कंपाउंड देखिए, ओ ये डबल ये डबल ये डबल एंड ये एच, देखिए ये एच ऑसिलेट करता है, ये इक्विलिब्रियम में, और ये क्लियरली आप देख सकते हैं स्पेस टॉटोमेरिज्म है, 1 to 5, 5 to 1 मूव किया है, 1 to 5, 5 to 1 मूव किया है। तो मेरे भाई यहां आप के भी देख सकते हैं ग्रेटर देन वन आएगा, अरे एरोमेटिक है दोस्त, एरोमेटिक में तो मैंने वैसे ही बोला इनॉल इसे हरा देगा, एरोमेटिक में तो मैंने वैसे ही बोला इनॉल को, इनॉल जो है कीटो को हराता ही है। दिस इज द लास्ट पार्ट, डायड ट्रायड एंड दिस इज स्पेस टॉटोमेरिज्म। तो आप देख सकते हैं यहां इनॉल अपने कीटो को डेफिनेटली हराएगा। सो आफ्टर सो मेनी एग्जांपल्स, दिस एग्जांपल नंबर 4 एंड दिस एग्जांपल नंबर 5, यू कैन राइट इट एज एग्जांपल नंबर 6, यू कैन राइट इट एज एग्जांपल नंबर 6, क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑल काइंड ऑफ, हमने टॉटोमेरिज्म की जितनी भी वैरायटी है वो सारी हमने यहां पर कर ली है, तो आप इसे लिख लें। अब हम नोट लगाकर छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातों को नोट में लिखेंगे, और लिखने के बाद क्वेश्चन खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे। सो जस्ट राइट इट, मैं हटा देता हूं इसे, ये एग्जांपल नंबर 6 है, 4, 5, 6। ओके, नाउ नोट है भाई साहब, नोट फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट क्या है उसे समझें। मैं तो सीधा सीधा लिखूंगा कंडीशन ऑफ टॉटोमेरिज्म। आप देखिए मैंने आपको दिया, आपके कंपाउंड में ऐसा कुछ होना चाहिए, ए डबल बॉन्ड बी टाइप का, ठीक है, जिसमें ये क्लियर है कि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज्यादा हो, एक बात। दूसरी, उसके बाजू वाला एटम जो है, पहला केस
QSP3 होना चाहिए। पहला केस QSP3 होना चाहिए, याद रखना। कार्बोनाइल के अल्फा कार्बन का ही HSCOCl होता है, पूरा GOC पढ़े हैं इसलिए याद रखिएगा, यही HSCOCl होता है, इसलिए केवल बाजू वाले H की बात करें। यहां कम से कम एक H या उसका आइसोटोप होना चाहिए, कम से कम एक H या उसका आइसोटोप होना चाहिए ताकि B C के साथ डील कर सके। याद रखना अगले वाले कार्बन से कोई लेना देना नहीं, जस्ट बाजू वाला, लेकिन वो भी तब जब ये SP3। अब आपने कहा कि मान लीजिए बाजू वाले पर H तो है लेकिन वो SP3 नहीं है, SP2 है। मेरे भाई ये कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। हमें SP3 अल्फा मतलब एसिडिक H चाहिए। यहां पर अल्फा जो है वो SP3 नहीं है, SP2 है, वो SP2 है। तो ये H अपने काम का नहीं है, कोई बात नहीं। अगर अल्फा पर ना मिले तो बीटा छोड़ के गामा पर चेक करना। कहां चेक करेंगे? गामा पर। मेरे भाई ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर लगाओ बुद्धि तो बुद्धि से ये पता चलेगा, पहली बात तो SP3 होना चाहिए और वहां कम से कम एक H D या T होना चाहिए। क्या तुम समझ पा रहे हो? ये ट्रायड की कंडीशन है और ये स्पेस टॉटेमिजम की कंडीशन है। 1 2 3 4 5 यहां से बीच में डबल नहीं हुआ तो नहीं घूमेगा, बीच में डबल नहीं हुआ फिर तो यही एच घूमेगा। अगर डबल नहीं हुआ या सिंगल से जुड़ा होगा तो यही एच घूमेगा, क्योंकि जो एच एसिडिक है वही ऑसिलेट कर सकता है। ये एच एसिडिक है ये कर सकता है, ये एच हटाइए माइनस रेजोनेंस करता हुआ वहां, मानते हो? तो भाई दिस इज कंडीशन, या तो ये हो या ये हो, दोनों है तब तो हो ही रहा, अच्छी बात है। या तो ये हो या ये हो, दोनों कंडीशन है तब तो बहुत अच्छी बात है भाई साहब। अच्छा बताओ H जल्दी ऑसिलेट करेगा या D जल्दी ऑसिलेट करेगा? बोलो H जल्दी ऑसिलेट करेगा या D जल्दी ऑसिलेट करेगा? आपको पता होना चाहिए CD बॉन्ड स्ट्रांग होती है, CD बॉन्ड स्ट्रांग होती है तो मेरे भाई H जल्दी निकलेगा क्योंकि वीक बॉन्ड खटाक से निकल के चला जाएगा। तो हम इसे लिखते हैं आइसोटोपिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं दोस्तों? आइसोटोप, अरे आइसोटोप है ना HDT, आइसोटोपिक इफेक्ट प्रेजेंट। इसका मतलब पूरी ऑर्गेनिक में सुन लेना कि H की जगह D लाएंगे तो रेट घट रहा है, रेट में परिवर्तन हो रहा है, रेट में चेंजेस आ रहे हैं, आइसोटोपिक इफेक्ट प्रेजेंट। थर्ड पॉइंट, कीटो से इनॉल जाना और इनॉल से कीटो जाना, रिमेंबर ये कंपाउंड स्वतः करता है, अपने आप करता है, हम उसमें कुछ एड ऑन नहीं करते। कीटो से इनॉल, इनॉल से कीटो खुद जा रहा होता है, लेकिन अगर आप इसमें बाहर से कुछ एसिड या बेस ऐड कर देंगे तो रिएक्शन स्पीड अप हो जाएगी, जो रिएक्शन पहले से हो रही थी वो स्पीड अप हो जाएगी। तो मैं लिख सकता हूं इस बात को कीटो इनॉल, ठीक है, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम या कन्वर्जन, कन्वर्जन कैन बी कैटलाइज्ड, कैन बी कैटलाइज्ड Both by acid and base, थोड़ा सा acid डाली ketoinol fast, थोड़ा base डाली ketoinol, इसमें हम थोड़ा सा करेंगे, अच्छा खासा करेंगे। अब हम आगे examples करते हैं जो आपका homework होगा आज का, ठीक है? So this is example number 7, if I'm not wrong that was 6 and this is 7, ठीक है? So identify, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन बड़ा मजेदार होगा। identify compounds which can show tautomerism, आपको कंपाउंड में पहचानना है कि कौन सा tautomerism कर सकता है, सही है? And also draw, साथ में आपको draw भी करना है, and also draw इट्स मोस्ट स्टेबल, या ड्रॉ की जगह मार्क कर सकते हैं, ठीक है? एंड ऑल्सो मार्क लगाना है केवल आपको, इट्स मोस्ट स्टेबल टॉटोमर, इट्स मोस्ट स्टेबल टॉटोमर, मोस्ट स्टेबल टॉटोमर। थोड़ा सा इंजॉय करिएगा, मजेदार क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन दे देता हूं आपको। ए ये देखिए एकदम हलवा,
खा लीजिएगा खटाखट, हाँ CD3 डबल बॉन्ड CD3 सी पार्ट, ये डबल बॉन्ड डी पार्ट साइक्लोहेक्सेनोन, ई पार्ट और कौन सा है भाई, ये सिंगल ही है आप हैं, एच सी डबल बॉन्ड एच, एफ पार्ट फिनाइल, फिनाइल जानते हैं, फिनाइल जानते हैं C6H5 बेंजीनिन का जो हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज करते हैं। इन सब के आगे लिख दीजिएगा तो टॉटोमर, पहले करता है तो टिक करिएगा, नहीं करता है तो क्रॉस कर दीजिएगा। ई एफ जी पार्ट लेते हैं, जी पार्ट, एच पार्ट लेते हैं, आई पार्ट लेते हैं, जे पार्ट लेते हैं, के पार्ट लेते हैं, बहुत ध्यान से करना तसल्ली से, मजेदार क्वेश्चन है, एल पार्ट लेते हैं, एम पार्ट लेते हैं, ठीक है, ये सारे करिएगा, मजेदार है सारे के सारे। एम पार्ट के बाद एन पार्ट, एन पार्ट में एम एन ओ पी एच, पी एच पेंसिल से करिएगा, एम एन ओ पी, बातें नहीं करना, क्यू आर एस इन सब में अगर कोई टॉटोमेरिज्म करता है तो टिक कर देना पहले तो कि करता है, फिर उसकी मोस्ट स्टेबल फॉर्म आपको मार्क करनी है, अगर वही है तो उसी पे मार्क कर देना और नहीं है तो बना देना। एस टी ये हो गया, वो हो गया, ये डबल बॉन्ड हो तो इजी है, बहुत आसान है, इसमें आराम से कर लीजिएगा। ये हो गया, तीन वाला भी दे दिया, दो वाला भी दे दिया, ठीक है। तो मेरे भाई दीज आर द क्वेश्चंस जो टॉटोमेरिज्म का बेसिक्स है, बेसिक्स से रिलेट होते हैं, तो इन्हें आप करिएगा और तसल्ली से करिएगा, तीन तीन चार चार लाइन का गैप रखिएगा दो क्वेश्चन के बीच में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और जल्दी टॉटोमेरिज्म खत्म करके हम चालू करेंगे स्टीरियो, बहुत मजेदार चैप्टर है। आज के लिए इतना ही, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई भी व्यस्त रहें।